हाय एवरीवन, अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी छह चीज़ें जो कि हमारी भक्ति को इम्प्रूव करेगी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी छह चीज़ें जो भक्ति को ख़राब करती है, और छह चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हमारी भक्ति को इम्प्रूव कर सकती हैं। सबसे पहला है अपने अंदर उत्साह रख के इस काम को करना। ऐसे नहीं है कि ठीक है ढीले ढाले हम कर रहे हैं, हमारे अंदर एंथुजियाज़म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए इस काम को करने के लिए, राइट, भक्ति को करने के लिए। दूसरा है कि विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में भक्ति को फॉलो करना। ऐसे नहीं कि डाउट रखे कि भगवान है कि नहीं है, क्या पता मरने के बाद पता चले कुछ है ही नहीं, तो डाउट के साथ में नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ में प्रैक्टिस करना भक्ति को, ये दूसरी चीज़ है। तीसरा है अपने अंदर धैर्य रखना कि अगर कुछ दिक्कतें आ भी रहे हैं, हम गलतियाँ कर भी रहे हैं, तो भी धैर्य के साथ में चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना। चौथी चीज़ क्या है? चौथी है वो चीज़ें करना जो कि हमारी भक्ति को इम्प्रूव करें। मैंने बताया था कुछ चीज़ें होती है जो हमारी भक्ति को इम्प्रूव करती है, जैसे वही चीज़ें खाना जो कि भगवान को ऑफ़र की गई है, मतलब भगवान के प्रसाद के अलावा दूसरी चीज़ें नहीं खाना, भगवान के बारे में सोचना, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी जो भक्ति है उसको इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट है जैसे चार चीज़ें बता भी रखी है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, यानी कि भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में कीर्तन करना है, भगवान के बारे में दूसरों को बताना है, भगवान के बारे में पढ़ना है, राइट, भगवान को मतलब किसी तरह स्मरण करना, उनको याद करना है। और नेक्स्ट है ऐसे लोगों की संगत अगर हम छोड़ देते हैं जो कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज है, जो भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों की हम संगत छोड़ देते हैं तो भी हमारी भक्ति इम्प्रूव हो जाती है। और छठी चीज़ क्या है? ऐसे लोगों को फॉलो करना जिन्होंने भक्ति में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि बहुत सारे हमारे आचार्य हुए हैं, जैसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपदा थे, रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, उसके अलावा हनुमान जी हैं, वो भी भगवान के कितने बड़े भक्त थे, है ना, है आई मीन। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारी भक्ति में इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू।